अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? रानी मलिक अनोखी दुनिया में खुश आमदीद। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुल्लूस उस्मान सीज़न 2 की नई एपिसोड 29 की कुछ न्यू अपडेट लेके हाजिर हुई हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी जनाब, कुल्लूस उस्मान सीज़न 2 के रिलीज़ होते ही लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को अपने शहर में जकड़ लिया है। उस्मान बे की फतह का बदला लेने के लिए दुश्मनों ने अर्तगुल गाजी का इस्तेमाल करके उस्मान बे को अपने जाल में फंसा लिया है। योलिक हसन ने धोखे से उस्मान बे को अपने कबीले बुलाया है और उस्मान बे को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। तो अब देखना यह है कि उस्मान बे इस जाल से कैसे निकलते हैं। क्या दरवेश अब्दाल का किरदार उस्मान बे को इस जाल से निकालने के लिए मदद करेगा? जैसे कि फ्रेंड्स, हमने ट्रेलर में देखा कि योलिक हसन के सिपाही दरवेश अब्दाल की तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि सौची बे कुछ सिपाहियों के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि सौची बे उस्मान बे के आगे बिछाए हुए जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, और दूसरी तरफ एर्तगुल बे योलिक हसन के कबीले जाएंगे और उस्मान बे को दिए हुए धोखे का उससे हिसाब मांगेंगे। योलिक हसन एक बहुत ही चलाक इंसान है, जिसको पहले से ही पता होता है कि एर्तगुल बे वापस कबीले लौटेगा। जी तो फ्रेंड्स, जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो तुर्कों की बहुत बड़ी ताकत सफ़ेद दाढ़ी वाले एर्तगुल बे को बुलाएंगे और कोई बहुत ही अहम काम करने को कहेंगे। ये काम सीज़न 2 का कोई बहुत ही बड़ा अहम काम होगा। इस सीज़न का सबसे बड़ा काम वो तारीखी जंग बाइले की जंग है जो सीज़न 2 में दिखाई जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, सफ़ेद दाढ़ी वालों ने एर्तगुल बे को अपने बेटों में से वारिस बनाने का इंतखाब करने को कहा है, और उसके बाद एर्तगुल गाजी अपने सारे बेटों का इम्तिहान लेगा। लेकिन इसमें तुंदार बे को जगह नहीं मिलेगी और इसके बाद कबीले का सरदार मुंतखब हो जाएगा। हो सकता है इसमें सौची बे कुछ अरसे के लिए कबीले के सरदार बने हैं, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो वो बाइले की जंग में शहीद हो गए थे। जी फ्रेंड, बाज़ंतीनी शहनशाह जो कि देख रहा है कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ उस्मान बे बहुत ही मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए उसने एक नए कमांडर को तैयार किया है और उसे बोला है कि वो जल्द अज जल्द उस्मान बे को ख़त्म कर दे, और वो कमांडर आयना कोला है। जी फ्रेंड्स, आयना कोला काई कबीले आएगा और एर्तगुल बे को धमकी देगा, और ये भी दिखाया गया है कि आयना कोला जब काई कबीले आता है तो वो एक बॉक्स भी लाता है। अब उस बॉक्स में क्या है, ये एक अलग सस्पेंस की बात है। इसके अलावा एक और मंजर जिसने लोगों को बहुत हैरान कर दिया था, जी फ्रेंड्स, वो था ज़ेर कुताई की वापसी का मंजर, जिसने सीज़न 1 में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था और लोगों ने भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था, और सीज़न 2 में ये मंगोलों की तरफ से आने वाला उनका कमांडो होगा। अब बात करते हैं बामसी बे की और सलजान हातून की, जो कि अपने ख़ास कामों की वजह से एपिसोड के शुरुआत में नहीं आ सके। इसके अलावा अब्दुलरहमान गाजी और आईगला हातून भी बहुत जल्द इस सीरियल में आपके साथ होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं मज़ीद न्यू अपडेट आपको देती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।